प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारे सब्जेक्ट ईवीएस की वर्कशीट वीक 11 क्लास 5th की हम यहाँ बात कर रहे हैं। बच्चों, आज का लेसन 6 हम पढ़ेंगे ईच ड्रॉप काउंट्स पार्ट 2। तो देखिए बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाइए और सभी रेड बटन दबाइए, मेरे चैनल जारेड़ा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द नेम ऑफ सोर्सेज ऑफ वाटर शोन बिलो इन द पिक्चर। देखिए बच्चों, सोर्सेज ऑफ वाटर हमें यहाँ पे बताने हैं। देखिए बच्चों, ये है हमारा वेल, कुआ जिसे हम बोलते हैं। ये है बच्चों स्टेप वेल, बावड़ी टाइप से जो होती है, गांव में आपने देखा होगा इसे। ये है हमारा हैंडपम्प, ठीक है बच्चों। यहाँ हमें सिटी में बहुत कम ये चीज़ें देखने को मिलती है, लेकिन गाँव में हम इन सब चीज़ों को ईजिली देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, देखिए हमारा कैनाल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द थिंग्स वी शुड कीप इन माइंड व्हाइल यूजिंग वाटर इन होम। बच्चों, घर में अगर हम पानी का यूज़ करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए बच्चों, हमें साफ़ पानी पीना चाहिए, पानी का वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। और अगर पानी बह रहा है नल से, तो बच्चों उस नल को क्या करना है, पाइप जो भी है हमारे नल ख़राब हैं तो उन्हें सही कराना चाहिए, रिपेयर कराने चाहिए। तो चलिए बच्चों, यहाँ लिखेंगे वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर, ठीक है। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, पानी को ख़राब नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। इफ़ अ पाइप इज़ ब्रोकन, अगर बच्चों पाइप ये कहीं से टूटा है, लीकेज है, ठीक है, देन उसे हमें रिपेयर कराना चाहिए। देन इट शुड बी रिपेयर्ड इमीडिएटली, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर ऑफ वाटर साइकिल केयरफुली एंड राइट अबाउट इट। देखिए बच्चों, आप सभी को यहाँ पे एक वाटर साइकिल का पिक्चर दिया गया है, तो आपको इस सभी को यहाँ पे इसके बारे में लिखना है। अब देखिए बच्चों, क्या होता है, जो वाटर होता है सीज में, लेक्स में, रिवर्स में, ये क्या होता है, एवोपरेट हो जाता है हीट और सनलाइट की वजह से, ठीक है। और फिर वो वेपर बन जाता है, ये जो वेपर है, ठीक है, ये क्लाउड बनते हैं, बादल। एंड क्लाउड से क्या होता है, कूल हो जाते हैं धीरे धीरे और उससे बारिश होती है। और ये प्रोसेस जो चलता रहता है बार बार, भाप बन के उड़ना, फिर बादल बनना, फिर बारिश होना, तो ये प्रोसेस हम क्या कहते हैं इसे, वाटर साइकिल, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे द वाटर ऑफ सीज, लेक्स, रिवर्स ऑन द अर्थ, ग्रेजुअली इवेपोरेट्स ड्यू टू हीट एंड सनलाइट ऑफ द सन। दिस वेपर्स forms clouds and the clouds cool down and fall as rain, बारिश के रूप में वो हमारे तक आती है। This process continues, और बच्चों ये process continue रहता है, चलता रहता है, and this process is called, this is called the water cycle। सभी को आया बच्चों समझ में कि वाटर साइकिल क्या होता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन केयरफुली एंड चूज द राइट आंसर। एवन ब्रूनी वॉज अ रेजिडेंट ऑफ, बच्चों एवन ब्रूनी कहाँ का रेजिडेंट था, तो ये था उज्बेकिस्तान का। वॉट इज द मीनिंग ऑफ संजी नीट,
संजी नीड का मीन्स होता है सांझी नीड का नीड ऑफ ऑल. किंग घड़सी बिलोंग टू जैसलमेर. द वाटर ऑफ विच रिवर इन दिल्ली इज सप्लाई टू आर होम आफ्टर क्लीनिंग. तो बच्चों दिल्ली में यमुना रिवर का जो वाटर है वो हम सभी तक पहुंचाया जाता है. ठीक है. लाइफ स्किल ग्रीन कंपोस्टिंग. ग्रीन कंपोज इज अ पाइल ऑफ ग्रीन ऑर्गेनिक मैटर लाइक किचन वेट वेस्ट दैट हैज़ बीन मिक्सड विद ब्राउन ऑर्गेनिक मैटर लाइक लीव्स एंड सॉइल एक्सेट्रा. देखिए बच्चों ग्रीन कंपोज क्या होता है. इज़ अ पाइल ऑफ ग्रीन ऑर्गेनिक मैटर. जो हमारे किचन का गीला कचरा होता है उसे क्या होता है ब्राउन ऑर्गेनिक मैटर के साथ जैसे सूखी पत्तियाँ मिट्टी इनके साथ मिलाया जाता है. ग्रीन कंपोज इज मेड बाय रिसाइकलिंग. और बच्चों ग्रीन कंपोज कैसे बनाया जाता है. फूड वेस्ट को वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के कचरे को अंडे के छिलके को सूखी पत्तियाँ सूखी घास को सभी को रिसाइकिल करके. इट इज़ यूज टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट. बच्चों ये प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स देने के काम में आता है. एंड टू कीप एनवायरनमेंट क्लीन बाय रिसाइकलिंग हाउस होल्ड वेस्ट. और बच्चों हाउस होल्ड वेस्ट को हम जो रिसाइकल करते हैं इससे हमारा एनवायरनमेंट भी क्लीन रहता है. ओके. नाउ एक्टिविटीज़ फॉर स्टूडेंट. देखिए बच्चों आप लोगों के लिए जो एक्टिविटीज़ है. क्वेश्चन नंबर वन. वी हैड कलेक्टेड ड्राई एंड वेट वेस्ट सेपरेटली ड्यूरिंग लास्ट वीक. नाउ रिसाइकिल दैट वेस्ट इन ऑर्गेनिक कंपोस्ट. देखिए बच्चों जो लास्ट वीक हमने ड्राई और वेस्ट वेट वेस्ट को जो अलग अलग इकट्ठा किया था अब उसे रिसाइकल करना है और ऑर्गेनिक कंपोस्ट बनानी है. क्वेश्चन टू. नेम एनी टू आइटम फ्रॉम योर किचन वेस्ट दैट कैन बी यूज कैन नॉट बी यूज फॉर ग्रीन कंपोस्टिंग. बच्चों अब हमारे जो किचन है उसमें से बच्चों दो ऐसे आइटम्स के आपको नेम लिखने हैं जिन्हें ग्रीन कंपोस्टिंग के यूज़ में हम नहीं ले सकते. तो एक होगा बच्चों हमारा ग्लास और प्लास्टिक आइटम. इन सभी को हम ग्रीन कंपोस्टिंग में यूज़ नहीं ले सकते. क्वेश्चन नंबर थ्री. मेक अ स्मॉल वीडियो सिंगिंग कंपोस्ट सॉन्ग गिवन हेयर और ऑफ योर चॉइस थस मोटिवेटिंग अदर फॉर गोइंग ग्रीन. शेयर द वीडियो विद योर टीचर एंड बेस्ट फ्रेंड. तो बच्चों देखिए आप सभी को यहाँ क्या बोला गया है. आप सभी को एक पोयम दी गई है या फिर आप अपनी चॉइस की कोई भी पोयम यहाँ पे कंपोस्ट सॉन्ग यहाँ पे आप ले सकते हैं और आप सभी को उसका एक छोटा सा वीडियो बनाकर अपने टीचर्स को शेयर करना है. बनाना एंड ऑरेंज पील एग शेल्स एंड सीरियल्स न्यूज़पेपर एंड कॉफ़ी ग्राउंड्स ऑल इन द कंपोस्ट बिन. हेयर वी आर कंपोस्टिंग एवरीथिंग कंपोस्टेबल. हेयर वी आर कंपोस्टिंग इन आर वेरी ओन कंपोस्ट बिन. नेक्स्ट बच्चों संस्कार शाला 11th अगस्त हरियाली तीज. हरियाली तीज इज़ ऑल्सो नोन एज छोटी तीज एंड श्रवण तीज. बच्चों हरियाली तीज को हम छोटी तीज और श्रवण तीज भी कहते हैं. दिस ईयर हरियाली तीज विल बी सेलिब्रेटेड ऑन 11th अगस्त. और बच्चों इस साल हरियाली तीज 11th अगस्त को सेलिब्रेट की जाएगी. द फॉर्मूला फॉर सक्सेस इज सिंपल. डू द राइट थिंग डू इट इन इट द राइट वे डू इट एट द राइट टाइम. देखिए बच्चों सक्सेस होने का एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है. हमेशा राइट चीज़ें करनी चाहिए राइट वे में करनी चाहिए और राइट टाइम पे करनी चाहिए. फूड इंक्लूड लाइट फूड लाइक खिचड़ी पॉरिज इडली एंड ढोकला इन द डाइट. एक्टिविटी प्लांटिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ प्लांट इन द पॉट और कोर्टयार्ड ऑफ योर हाउस. स्पोर्ट्स क्लोज योर आइज एंड टच योर पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स एंड सिबलिंग फेस टू आइडेंटिफाई देम. देखिए बच्चों आप सभी को आइज क्लोज करके अपने पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स और भाई बहन के चेहरे पे हाथ लगा के पहचानना है कि ये कौन है. डेली रूटीन बिगिन योर डे बाय ग्रीटिंग योर पेरेंट्स. ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे. टेक अ बाथ डेली. ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ईट अ बैलेंस्ड डाइट. अवॉइड टचिंग योर फेस एंड वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली. कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम. तो बच्चों इस तरह से आप सभी को अपनी वर्कशीट कंप्लीट करनी है. आई होप बच्चों आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा. बच्चों अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें. ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें. साथ ही साथ नीचे दिए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर करके बताएं बच्चों कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा. और सभी मेरे चैनल जारेड़ा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स.